सम्मिलित होना चाहे तो इतना संकल्प आपसे कराना चाहता हूं कि आज से भले 2 मिनट नित्य प्रति आप नाम जप करेंगे, लेकिन अपने लिए नहीं, लोका समस्ता सुखिनो भवन। और एक विश्वास आपको दिलाता हूं कि शुभ संकल्प आप करना पूरा उसे प्रभु करेंगे। आप संकल्प करिए, आप प्रभु की दृष्टि में आ जाएंगे कि आपने जीवन में एक शुभ संकल्प धारण किया है। अच्छा, तो हाथ ऊंचा करके बताओ कौन कौन सा आते हैं। केवल आपको 2 मिनट नित्य प्रति, केवल 2 मिनट आपको भगवान नाम उच्चारण करना है। आप अपने इष्ट का नाम उच्चारण करिए, जो नाम आपको प्रिय लगे, मधुर लगे, रुचे, लेकिन बस वो 2 मिनट का नाम जब आप सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सर्वभूत हिते रता सबके सुख के लिए हो, सबके आनंद के लिए हो, आपके आपके मन का जप, आपके मन का जप इस भाव से सुसज्जित हो जाए। अपनी करुणा का जल महादे करके पावन हरि मन पावो। मैंने तो संतों की प्रेरणा से और भगवत आज्ञा से एक भाव आरंभ किया और देखते ही देखते हजारों लोग देश विदेश से इस भाव से जुड़े, अपना अनुभव मुझसे बांटते हैं और जीवन में अंतःकरण में कहीं परिवर्तन लाने वाला ये भाव है। तो जो मेरे इस भाव में सम्मिलित हो, बाहर आपको ये पत्र मिलेगा, अपना नाम इसमें लिखकर छोड़ जाइएगा। इसलिए लिखा रहा कि ये लिखकर जाओगे तो हो सकता है कभी भूल जाओ, फिर याद आ जाएगा कि नहीं महाराज को वचन देकर आए थे। 2 मिनट, केवल 2 मिनट। मैं भी आपको एक अपना अनुभव बताता हूँ। मैं गुड़गांव में कथा कह रहा था, तो जिनके यहाँ मेरा जाना हुआ पिछले वर्ष भी उन्हीं के यहाँ जाना हुआ था, तो उनके घर एक बालिका, उसने मुझे कहा महाराज साधन में मेरा मन नहीं लगता, क्या करूं। तो मैंने कहा अच्छा मेरी बात मान सकती, बोली आपकी बात मानकर कुछ कर सकती। तो मैंने कहा अच्छा मेरी बात मानकर 2 माला कट लिया कर। आपकी बात जब मैं ढूंढने यहाँ पर गया तो बोली महाराज मन तो अभी भी नहीं लगता, हाँ लेकिन एक परिवर्तन जो जरूर आया है वो माला 2 से 5 हो गई। आपने 2 आरंभ कराई थी पर अब मैं 5 करती हूँ, मन नहीं लगता। मैंने कहा बस मुझे केवल यही करना था, जीव नाम की शरण में हो जाए उसके बाद नाम संभाल करता है। जगत मजूरी देते क्यों राखे भगवान, प्रभु संभाल करते हैं जीव की। और कैसे, जिमी बालक राखे महतारी करो सदा तिनकी रख। इसलिए सहजो कहती है विषय हो कि हमारे यहाँ द्वार पर आए भिक्षुक को भिक्षा देने का विधान है,
और मांगने वाला साधु हो फिर तो अपनी सामर्थ्य से थोड़ा घना अवश्य देना चाहिए। तो आप समझना कि मैं आपके द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए आया हूँ। आपको नित्य प्रति 2 मिनट भगवान नाम उच्चारण करना है। और वैसे भी भगवान कहते हैं कि मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, खड़ा रहता हूं मैं वहां। और मेरी दृष्टि में अगर कुछ ऐसा है जो आपके भीतर बार के अभाव को दूर कर दे तो संत की संगति है। सत्संग आपके मन का आपके हृदय का अभाव दूर करता है। एक बार ये भाव वितरित करके देखिए और आप त्वरित परिणाम पाएंगे अपने जीवन में। मन की जड़ता दूर होगी परमार्थ का चिंतन करने मात्र से। जीवन में उत्सव आएगा। स्वार्थ से ऊपर उठना ही उत्सव है। वृत्ति का उत्थान ही उत्सव है। तो आपने अब मैंने संकल्प किया है तो आइए इस संकल्प का शुभ आरंभ यहीं से करते हैं। संत संधि है 2 मिनट के लिए आज के नाम का भगवत उच्चारण, नाम उच्चारण आप हम सब साथ में करते हैं। महाराज श्री कृपा करके पधारे और अपना शुभाशीष प्रदान किया। इसके लिए धन्यवाद तो क्या कहना है, एक मौन समर्पण महाराज श्री के श्री चरणों में निवेदन करता हूँ। और वैसा अभी महाराज श्री ने कहा कि जो भाव मैंने आपसे निवेदन किया, सबसे पहली बात तो आप लोगों के सहयोग की, सद्भाव की आवश्यकता है क्योंकि अकेला वो कार्य में कर नहीं सकता। और व्यासपीठ से कहता हूं अगर कर पाने की योग्यता होती भी तो भी अकेला नहीं करता, आप सबको संग में ही लेकर करता। इसीलिए ये भाव केवल मेरा सद्भाव नहीं है, ये आपका सद्भाव है। जैसे महाराज श्री ने कहा आप जपे और नाम जपावे, तो प्रयास करना कि आज का ये दिन ये जीवन में शुभ संकल्प का दिवस हो और अपने जीवन में भगवत कृपा का आप अनुभव करना, अवलोकन करना कि इस किस प्रकार परमार्थ के भाव की एक कल्पना भी जीवन में निष्काम प्रेम की सुवास ले आती है। आइए आज के इस शुभ दिन पर इस शुभ संकल्प का शुभ आरंभ संत चरणों की शुभ सन्निधि में करते हैं और उसके बाद आज के भाव को श्री युगल सरकार के श्री महाप्रभु जी के श्री चरणों में निवेदन करेंगे। राधे राधे
आप ऐसे ही श्री जी का नाम उच्चारण करते हुए बैठे हो तो